उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। सामने आए हैं कोरोना के चार और नए मामले। उधम सिंह नगर के ये सारे मामले बताए जा रहे हैं। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं ये संक्रमित। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है और ये संख्या बढ़कर अब 67 हो गई है। 45 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। चार और नए मरीज सामने आए। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं ये संक्रमित। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, चार और नए मरीज बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उधम सिंह नगर जनपद में चारों मरीज पकड़े गए हैं। पहले भी लगातार जो मामले सामने आ रहे थे उसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद जो है सरकार ने अलर्ट जारी किया था और ये भी कहा था कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये लोग जब जो है बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो है इनको क्वारंटीन किया जाता है तो पता लगता है कि आखिरकार इनके अंदर कोरोना पॉजिटिव है। और रस्ते की अगर बात की जाए तो और कितने लोग संक्रमित किए गए होंगे, जो लोग इनके संपर्क में आएंगे अब उनको भी जो ट्रेस करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब राज्य में 67 मामले ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 21 मरीजों का अभी राज्य में उपचार हो रहा है। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो महज यहाँ पर 2 ही मरीज एक्टिव हैं जिनका उपचार हो रहा है। ऐसे में खुद लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे कोरोना जैसा संक्रमण ना फैले। कल जिस तरीके से खुद अपर सचिव स्वास्थ्य ने लोगों से अपील करते हुए भी कहा था कि जिन लोगों में इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स हो वो खुद एक बार जो है। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि लोगों में सिम्टम्स हो रहा है वो बता नहीं रहे हैं, ये तो लापरवाही है, क्योंकि बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान संक्रमितों को पकड़ा जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है, तब पता चल रहा है कि वो कोरोना से पीड़ित है, ये तो गलत बात है सौरभ। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है, जबकि लगातार जो है सरकार के स्तर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को टेलीफोन के माध्यम से, चाहे वो जो है कॉलर टोन के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपके कारण जो है कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो, इसलिए खुद आपको अवेयर होना पड़ेगा इससे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। लिहाजा जो है ये चार जो मामले सामने आए हैं इन पर कहीं ना कहीं अब विभाग की जो नजर रहेगी और इन लोगों से अभी पूछताछ भी चल रही है कि आखिरकार किन लोगों के ये संपर्क में थे, उन लोगों से भी जो है अब संपर्क। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बड़ी लापरवाही है ये तो। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम अपडेट के लिए।